श्रीवर साल पहले ब्रज में वृंदावन वासियों के लिए गोवर्धन उठाए थे, माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान आके स्वयं दूध लेके आए, और आप आज भी अगर आप सच्ची भक्ति करेंगे तो आपके लिए भगवान लेके आए। और आते बहुत बार लोग वृंदावन में देखते भजन करते रहते, अपने आप खाना आने लगता है बिना मांगे। एक बार तो हम लोग गोवर्धन में घूम रहे थे, भगवान का भजन करते करते इतना खाना आ रहा था, बोले और नहीं खा सकते, मना करना पड़ा के लिए। तो भगवान व्यवस्था करते, भगवान एक व्यक्ति है। तो माधवेंद्रपुर ने जो बालक को देखा, सुंदर बालक को, उसकी भूख प्यास तो ऐसे खत्म हो। माधवेंद्र पूछा उस बच्चे से, पूरी कहे के तू भी कहा तो बार वास, पूरी कहे के तू भी कहा तो बार वास, ए पूरी कहे के तू भी कहा तो बार वास, पूरी कहे के तू भी कहा तो बार वास, ए मत जानी ले आमी कोरी उपवास, ए मत जानी ले आमी कोरी उपवास, ए पूछा उस बालक से, बेटा तुम इतने सुंदर हो, मेरा मन पूरा खिंचा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम हो कौन, तुम कहां पर रहते हो, किसे पता चला तुम्हें कि मैं अभी तक खाया नहीं कुछ, तुम तो अभी आए हो, मैं तो कल से कुछ खाया नहीं, तुमको कैसे पता चला। तो उन्होंने बोला, भगवान को कौन हरा सकता, भगवान तो वाक माधुरी, भगवान ऐसा मीठा बोलते हैं, बड़े बड़े लोग घुमा देते। तो भगवान ने फिर अपने भक्तों को फिर से घुमा दिया, क्या बोला, बालक कहे गोपो आमी ए ग्राम वासी, बालक कहे गोपी आमी ए ग्राम वासी, ए बोलक कहे गोपो आमी ए ग्राम वासी, बालक कहे गोपो आमी ए ग्राम वासी, अमर ग्राम ते के भगवान स्वयं आए हैं माधवेंद्रपुरी को, उनको लगा छोटा बालक है। बालक ने बोला, मैं गोप हूं, भगवान ये नहीं बोलते मैं पुरुषोत्तम हूं, ये हूं, भगवान बोलते मैं गोप हूं। भगवान को गायों की सेवा करना अच्छा लगता है, भगवान अपने आप को गोपाल के रूप में मानते हैं कि गौओं के सेवक है। दुनिया के लोग सोचते हैं, अरे भगवान इतना बड़ा आदमी है, पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं, लेकिन भगवान अपने आप को ब्रह्मांड चलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या समझते हैं, गौओं का चरण गोचारण करना भगवान ज्यादा महत्वपूर्ण समझते। तो भगवान बड़े सरल व्यक्ति है, बड़े मधुर व्यक्ति है, गोचारण सृष्टि लीला से भी ज्यादा उनको प्रिय क्या है, गोचारण लीला, अपने भक्तों के साथ खेलना। भगवान वृंदावन में भक्तों के साथ खेलते थे, ये सब लीला भगवान को ज्यादा प्रिय, इसीलिए भगवान का ज्यादा प्यारा नाम क्या है, गोविंद गोपाल।
न कि परमात्मा। वो सब भी भगवान है, लेकिन भगवान को ज्यादा अच्छा लगता है जब भक्त लोग उनके साथ सेवा करते हो, भगवान भक्तों की सेवा करते। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, मन बजले गोविंदा। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। संत में बुलाया जाता है, यशोवती नंदन, देवकी नंदन, तो भगवान को जब भक्तों के संग में बुलाया जाता है तो भगवान बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो इसीलिए भगवान के प्रमुख नाम हुए भगवान। भक्तों के साथ जो अपार्थ सारथी, भगवान अपने भक्तों के साथ अपना भगवान गोइयों की सेवा, गोपाल गोप बोलते हैं। मैं कौन हूं भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं, गोपामी, मैं गाय चलाने वाला। भगवान अपने आप को गायों के सेवक समझते, स्वामी नहीं समझते। 9 लाख गायों क्या समझते थे, भगवान अपने आप को सेवक समझते। इस दुनिया में हमारे पास 9 ठो बंगला भी नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं पूरा दुनिया के हम लोग क्या है, मालिक। अरे सेवक बनना सबसे ऊंचा चीज, भगवान सेवक बनना चाहते। इसलिए सुधा भैया जब कृष्ण बहुत रोने लगते, मुझे जाना है गोचारण के लिए, गोचारण के, तो यशोदा भैया तो डर जाती, छोटा बालक है, कहीं गाय के पांव से नीचे आ जाएगा, कहीं जंगल में कांटे गड़ जाएंगे, छोटा बालक है बुला जाएगा। लेकिन कृष्ण बोलते मेरे को जाना है, और वृंदावन में बड़ी दुविधा हो गई, क्योंकि बिना कृष्ण की गैया जाना नहीं चाहती थी। तो फिर अगर गैया नहीं जाएगी, गोचारण नहीं होगा, तो कैसे नंद महाराज का वैश्य समाज चलेगा। सबने मीटिंग लेकर बोला कृष्ण को तो भेजना ही पड़ेगा, लेकिन यशोदा बोली पागल हो क्या तुम लोग, इस बच्चे को कैसे भेज सकती हो, ये छोटा बात बालक है। और कृष्ण हंस रहे थे, नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर में कितना बैठा रहूंगा, मुझे बहुत इच्छा है गोचारण जाने। तो भगवान गोचारण के लिए निकलते हैं अपने मित्रों के साथ और गायों के साथ। यशोदा बलराम जी को बोलती है इसका ख्याल रखना, इसको कोई भी कुंड में स्नान मत करने देना, इसको सर्दी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये 4 ठो टिफिन लो, ये 10 बजे खिला रहे, 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30, 12:30, ये सब ये खिलाना, इसमें दोनों से ये खिलाना, इसमें मक्खन खिलाना, ये खिलाना वो खिलाना। यशोदा मैया का तो क्या प्रेम था कृष्ण। तो इस प्रकार से जब जाने लगे तो यशोदा मैया ने बोला देखो मैं तुम्हारे के लिए क्या बना देती हूँ, एक चप्पल बना देती हूँ, क्योंकि क्या होगा जाते जाते ब्रज में क्या होगा, थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको कांटे गड़ सकते हैं, और आपके छोटे पाँव में कांटे गड़ेंगे तो मुझे बहुत, ब्रज के लोगों का यही भाव है, भगवान के कष्ट को नहीं सह सकते। इसलिए गोपी कितने गोपियां ने भगवान आपके चरण कमल जब सुबह सुबह चले जाते हैं गोचारण के लिए, हमारे हृदय में ताप होने लगता है, कहीं कोमल से चरण में कहीं कांटा नहीं लग जाए। इसलिए बोलते हैं वो लोग, चल सी अद
कोई छोटा सा पत्थर आपके पाँव में लग जाएगा तो बोलती है सीधे ही तीन हम लोग को रोना आता है भगवान कि आपके कोमल पाँव में कहीं कांटा ना लग जाए कहीं पत्थर ना लग जाए। इसलिए यशोदा बोलती है कि हे कृष्ण मैं आपके लिए स्पेशल जूते बनाए हूं, आप ये जूता पहन के जाना ताकि आपको कांटा नहीं लगे। तो कृष्ण ने क्या बोला, कृष्ण ने बोला हाँ भैया मैं जूता जरूर पहनूंगा लेकिन भैया मैं गईयों का सेवक हूं। तो स्वामी अगर चप्पल पहनेगा तभी तो दास चप्पल पहन सकता है, अगर स्वामी चप्पल नहीं पहना तो सर्वेंट कैसे पहने। तो उन्होंने बोला देखो भैया आप क्या करो सब गईयों को भी चप्पल दे दो क्योंकि वो मेरी मालिक है, उनको चप्पल दे दोगे तो मेरे को चप्पल पहनना पड़ू। तो यशोदा सोचने लगी बाप रे बाप कितनी गैया थी ये सुधा को 9,36,000 मतलब कितनी चप्पल बनानी पड़ेगी 36,00,000 चप्पल 18,00,000 चार चार पाओ 36,00,000 चप्पल। ये सुधा सोचने लगी 36,00,000 चप्पल एक चप्पल बनाने में अगर 2 घंटे भी लगे तो फिर कैलकुलेट करते 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 वो लॉकडाउन में आ गए क्या क्या। तो फिर एक दिन यशोदा ने बोला कि भाई अब कैसे होगा। फिर एक दिन यशोदा बोला बड़ी धूप है अभी दोपहर की धूप जेठ की धूप होती बाप रे बाप। तो यशोदा ने बोला बेटा तुमको मैं छतरी दे देती। बगल की जो गोपियां थी उन्होंने बोला बेटा तुम ऐसा धूप में जाते हो और बड़ा कष्ट होता है मैं तुम्हारे को छतरी खरीद के दे देती हूँ लो छतरी। और बेटा तुमको मैं एक सेवक देती हूँ कि तुम तो गाय को चराने जाओगे तो एक सेवक तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा और तुम्हारे लिए क्या छतरी उठा के लेके जाएगा। तो बास की गोपी ने बोला ऐसा तो भगवान ने बोला हाँ आप मुझे छतरी दी बहुत बहुत धन्यवाद और आप एक सेवक भी मेरे लिए दी हो। कृष्ण के साथ कौन जाएगा एक सेवक भी। उन्होंने बोला देखिए मैं तो गायों का सेवक हूं तो आप क्या करो 9,00,000 गायों के लिए कितनी छतरी 9,00,000 छतरी दे दो और 9,00,000 लोग को दो सेवा करने के लिए। सब लोग क्या गैया के लिए क्या उठाएंगे छतरी। बोले बाप रे बाप 9,00,000 छाते कहाँ से लाए 9,00,000 सेवक कहाँ से लाए। तो इस प्रकार से भगवान जो अपने वो क्या मानते हैं गोप मानते हैं सेवक मानते हैं। भगवान अपने आप को ये नहीं बोलते कि मैं बहुत बड़ा मालिक हूँ इसीलिए कहने लगे भगवान छोटे बालक के रूप में बालक कहे गोप आमिये ग्राम वसी बालक कहे गोप आमिये ग्राम वसी अमर ग्राम ते के हदर वासी अमर ग्राम ते के हदर वासी अमर ग्राम ते के भगवान बोले कि माधवपुरी मैं गोप हूं मैं ब्रजवासियों का सेवक हूं मैं गायों का सेवक हूं। तो इसीलिए हमें भगवान की तरह यही भाव लाना चाहिए सबकी सेवा करने का भाव। जब सबकी सेवा करेंगे तब ठाकुर जी हृदय में आएंगे नहीं तो हरिनाम में रुचि नहीं आएगी। जब हम विनम्र होंगे सबकी सेवा करना चाहेंगे तब जाके भगवान क्या देंगे आपको नामों में रुचि देंगे। इसलिए बोला गया भगवान ने बोला कि मैं इस ग्राम का वासी हूं भगवान
वृंदावन में रहते हैं। आमर ग्रामित के ना रहे उपवासी, मेरे गांव में कोई भूखा, अरे जहां भगवान है वहां कैसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती। और भगवान बोलते मैं कहां पर रहता हूं, जहां पर ही भजन कीर्तन होता है, जहां पर भक्तों में ये ब्रज का भाव होता है वहां पर ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। अगर आपके अंदर भाव है भगवान को प्रसन्न करने का, इस भाव को बोलते हैं ब्रज भाव। ब्रजवासियों क्या भाव है, ठाकुर जी कैसे प्रसन्न हो, घर भी है थोड़ा उनके लिए, भक्त लोग भगवान के मंदिर में एसी लगाते हैं, भगवान के कमरे में, हमारे इस्कॉन के बहुत सारे मंदिरों में भगवान के लिए एसी, लेकिन अपने भक्त लोग बेचारे अपने बिना एसी के सोते, लेकिन भगवान के लिए एकदम। अभी चंदन यात्रा है, भगवान को चंदन लगाया जाता है सुंदर शरीर में, आप लोग अभी भी लगा सकते हैं, चंदन यात्रा 21 दिन की थी लेकिन अभी भी हम उनको से हमारे वॉइस में भक्त लोग चंदन नहीं लगाए थे, आज तो हमने बोला चंदन लगाइए, बहुत गर्मी है भगवान को लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से बालक कहे गोप आमी ए ग्राम वासी, और मेरे गांव में कोई भूखा नहीं जाता। तो जो भी व्यक्ति वृंदावन मतलब जहां पर भी भगवान का भजन हो रहा है वृंदावन हो रहा है। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अमेरिका प्रभुपाद जी वहां पर कीर्तन कर रहे थे, किसी ने पूछा कैसा लग रहा है आपको, प्रभुपाद ने बोला ये वृंदावन है। क्या है, अमेरिका की मलिच भूमि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, वृंदावन, क्योंकि वृंदावन वही जगह होती है जहां पर हरि कथा होती है। जहां पर भी अभी आज आप यहां पे कथा सुन रहे हैं ये जगह क्या बन गई है, वृंदावन। और भगवान का ये वादा है आमार ग्रामित के ना रहे, अगर आप भजन कर रहे हैं भगवान का आपको खाना अपने आप आ जाएगा, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते, आप भूखे नहीं रह सकते। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से पूछा कि तुम ग्रस्त हो लेकिन कुछ काम धंधा नहीं करते हो, तो तीन ताली मारा क्या समझे, बोले तुम ग्रस्त हो तुम कुछ काम धंधा नहीं करते हो, कैसे खाओगे कैसे परिवार चलाओगे, ताली क्यों मारो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो श्रीवास पंडित जो कि नारद मुनि थे उन्होंने बोला, अभी वो ग्रस्त आश्रम में थे, बोले भगवान अगर मैं भगवान का भजन कर रहा हूं और मेरे को खाना नहीं आया, मैं तीन ताली मारूंगा, मतलब तीन बार तक खाना नहीं आया, तीन दिन तक, सुबह भी नहीं आया, दोपहर में, शाम को भी नहीं आया, मतलब मैं भूखा मर रहा हूं, मरने वाला हूं, फिर भी खाना नहीं आया, तो मैं गंगा में जाकर क्या करूंगा, डूब के मर जाऊंगा, क्योंकि भगवान खाना जरूर भेजे। अगर आप भजन कर रहे खाना तो आएगा ही आएगा, इतना खाना आएगा कि आपको आएगा और बाकी लोगों को भी आप खिला सकते। आज हम भगवान का भजन करते और करते क्या, लेकिन खाना की कोई कमी नहीं, इतना खाना भगवान भेजते इतना देते हैं कि दूसरों को बांटा जा सके। एक बार हम लोग कैसे भगवान ख्याल रखते हैं, माधवेंद्रपुरी के लिए स्वयं क्या लेके आए, दूध लेके आए। जैसे कुछ दिनों पहले हम लोग साउथ इंडिया यात्रा में गए थे, चैतन्य महाप्रभु गए थे उसी रूट से हम लोग भी जा रहे थे, रेमड़ा से हम लोग निकले, हम लोग को पता भी नहीं था किधर जाना है, लेकिन हम लोग तो कोई व्यवस्था भी नहीं किए थे, कोई मंदिरों में हमने बोला भी नहीं था कि हम लोग आने वाले, जहाँ चले जाते थे भगवान जहाँ ले जा रहे, जहाँ वहाँ पर हमारा यात्रा का पर्पस था कैसे भगवान को खुश रखना है, कीर्तन करना है। तो हम लोग श्रीकाकुलम कुरुक्षेत्र गए जहाँ महापू गए थे, वहाँ पर भी बढ़िया से बढ़िया खाना मिल गया, बढ़िया से बढ़िया भक्त मिल गया, हम लोग घुमा दिए, प्रसाद भी बहुत अच्छा मिल गया, रहने की व्यवस्था मिल गई, सब भगवान करते जा। फिर एक दिन हम लोग रामानंद राय की जगह पे पहुंचे कोवूर में, राजमंडी मंदिर से हम लोग सुबह सुबह निकले प्रसाद लेके, उसके बाद हमने कुछ प्रसाद की व्यवस्था नहीं की थी, और हम लोग दिन भर जाके रामानंद राय की जगह पे कथा किए कीर्तन किए, संध्या बेला हो गए, भक्तों को भूख लगी थी लेकिन कुछ व्यवस्था तो हम लोग की नहीं, हम भगवान का आरती कर रहे थे गौर आरती कर रहे थे, लेकिन बस हमें दूसरे स्थान पे जाना था भद्राचलम, लेकिन वहां की बस नहीं मिल रही थी, बस मिल रही तो हम लोग 25-30 लोग थे, बस में एक आध सीट बचती थी, पूरी भीड़ जा रही थी, कुछ स्ट्राइक हो रखा था, बस ही नहीं मिल रही थी, 6 घंटे का रास्ता था,
शाम को 5-5:30 बजे से हम लोग इंतजार करते, एक आध घंटा बीत गया लेकिन बस ही नहीं मिली, 2-4 बस मिली भी तो पूरी भीड़ ऊपर तक भीड़, एकदम नीचे तक भीड़, एकदम समझ में नहीं आता क्या करें। भद्राचलम अभी जाना ही था क्योंकि उसके बाद अगले दिन हमें पान नरसिंह का दर्शन लेना था। भद्राचलम से अगर हम लोग आज रात को नहीं जाते, कल सुबह जाएंगे राजमुंड्री से, कल सुबह निकल लेते तो दोपहर तो पहुंचते, और दोपहर को पहुंचते तो फिर वहां पर दर्शन लेते लेते शाम हो जाती, फिर वहां से निकल कर रात को ट्रेन थी विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा से अहोबिलम तरफ की, तो मैं रात तक पहुंचना था। और विजयवाड़ा में हमें वहां पर मंगलगिरी में बहुत सुंदर पान नरसिंह देव का मंदिर है, हमें वहां जाना था। ये पान नरसिंह देव जो है आप उनको आज भी वहां पर भोग चढ़ाया जाता है, ये गुड़ का पानी पीते हैं, गुड़ का पानी जब चढ़ाया जाता है तो आधा भगवान पी लेते, गड़ 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 आवाज आती है गड़ 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 गड़, और आधा आपके लिए मिल जाता है। तो अगर हम लोग अभी रात को नहीं जाएंगे तो फिर कल उनका दर्शन नहीं होगा, तो हम लोग सोचे थे रात को जाना लेकिन बस नहीं मिली, 1.5 घंटा 2 घंटा बीत गया, भक्तों को भूख भी लगी थी, फिर हमने सोचा अब क्या करें, बोला अभी रात को कोई बस नहीं है, 2-3 बस है लेकिन उसमें एक भी सीट खाली नहीं, एक सीट खाली, 2 सीट खाली, हम लोग 25-30 लोग भक्त, और रात 6 घंटा लगेगा जाने में, रात को नहीं निकले सुबह निकले तो फिर हमारे अंदर पान नरसिंह पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो बड़ी आफत आ गई। हम लोग को तो बस भगवान का दर्शन करना, सेवा करनी, कीर्तन करनी, तो समझ में नहीं आ, भक्त लोग भूखे भी थे, तो फिर बोले ठीक है हम लोग राजमंदिरी स्टेशन चलते हैं, कुवर स्टेशन से छोटा स्टेशन था, वहां से बस नहीं मिलते हम लोग वापिस, और भक्तों को भी मंदिर में फोन किया तो मंदिर बोले तो जी आ जाइए प्रसाद को, और हमारे भक्त लोग गए पूरा बढ़िया से मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर लिए, फिर हम लोग गए स्टेशन राजमंडी स्टेशन में 5-6 भक्त लोग, और हम लोग पता कर रहे थे भाई कोई बस है, मतलब बस तो अभी नहीं, 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 3 बस है लेकिन तीनों पूरी फुल है, एक भी सीट नहीं, ऐसा कैसे होगा भाई, बोले ठीक है एक आदमी वहाँ बैठा हुआ है हेल्प पे डेस्क पे उससे पता कीजिए, और वो लोग तेलुगु लोग, हम लोग हिंदी इंग्लिश लोग को समझ में नहीं आ, तो हम लोग जाके बोल रहे थे हम लोग को तेलुगु में कुछ बोला को समझ में नहीं आ, तो एक आदमी इंग्लिश समझ रहा था, तो फिर चर्चा होने लगी कि हमें हम लोग तीर्थयात्री लोग हैं, हम लोग नॉर्थ इंडिया से आए हैं, स्टूडेंट लोग हैं, हम लोग को जाना है, हमको बस में थोड़ी जगह मिल जाएगी, खड़े चले जाएंगे कुछ तो जगह मिल जानी चाहिए, बोला कि एकदम जगह नहीं है, बोले ठीक आप लोग तीर्थयात्री लोग है ना आप लोग, ठीक है मैं बताता हूँ आपको रुकिए थोड़ा, आधे घंटे हम लोग खड़े थे, एकाएक उसने बोला लीजिए डीएम साहब से बात कीजिए, डीएम कहाँ से है, हम लोग को पाप किए क्या भाई, हम लोग काटेगा क्या, क्या करेगा, जेल में डालेगा क्या, क्या है हम लोग बस से जाना चाह रहे, तो डीएम साहब बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि हम आप लोग के लिए व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्था करने का प्रयास कर, हमको समझ में नहीं आया भाई क्यों प्रयास कर रहा है भाई, तो उसके बाद वो बोला तो हमारे जो स्टूडेंट थे वो बात कर रहे थे, बोले पक्का हो जाएगा कि नहीं हो, तो हमारे स्टूडेंट लोग वेट करें, तो फिर वो बोला नहीं हमको 8:30 बजे तक का समय दीजिए हम मोस्टली कर देंगे आप लोग के लिए, और फिर हम एक आध घंटा हम लोग भगवान का नाम जप कर रहे थे उधर टेम्पल में, भक्त लोग पूछ रहे थे क्या करें हम लोग, वहाँ से 2-3 किलोमीटर था बस स्टैंड तो उधर आए कि नहीं आए, फिर हमने बात किया, फिर 9:30-10 बजे और एक भी बस नहीं था, ड्राइवर ने कहाँ से उसने एक बस हम लोग के लिए रिजर्व करके दे दिया, और फिर उसने फ़ोन किया डीएम ने कि आपको मिल गई बस, बोला हाँ मिल गई, फिर हम लोग को बोला कि भक्तों को भी हम लोग को 3 किलोमीटर आना नहीं पड़ा, रास्ते में बोला उठा लेंगे, और उस बस में हम लोग पूरा बढ़िया से एकदम रात को 10 बजे चढ़े, हम लोग सुबह 2:30-2 बजे उठा पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे अमर ग्रामे ते के न रहे उपवासी, अमर ग्रामे ते के न रहे उपवासी, तो भगवान हम लोग भक्त लोग भूखे थे तो उनको खाना भी खिला दिया और रात में बढ़िया से बढ़िया बस दिला के एकदम रिजर्वेशन में भेज दिया। तो भगवान भक्त का ख्याल रखते, जब भगवान के भक्त लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते, तो भगवान भी भक्त का ख्याल, तो माधवेंद्र पूरी भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन कर रहे प्रचार कर रहे, तो भगवान स्वयं अपने हाथों से क्या लेके आते हैं उनके लिए दूध लेके आते हैं। फिर भगवान बोलते लगते हैं कि अन्न मांगी खाय के दुग्धाहार, के अन्न मांगी खाय के दुग्धाहार, आया चक जाने आवी भगवान बोले, लेकिन माधवेंद्र पूरी कुछ लोग मान के खाते हैं कुछ लोग
दूध पी के रह जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है तो मैं स्वयं उसके लिए लेके आता हूं। आया चक जानी अभी दिए त्यौहार, कोई कुछ नहीं मांगता, मेरा भजन में लीन रहता है तो मैं स्वयं लेके पहुंच। और भगवान ने बोला कि उन्हें पता नहीं, भगवान ने बोला कि स्त्री लोग जो थी, ये लोग पानी भरने आई थी, इन्होंने आपको देखा तो ये लोग देखी, सुबह से आप बैठ के भजन कर रहे थे, उन्होंने मेरे को बताया और उन्होंने मेरे को दूध देके भेजा कि महात्मा जी को थोड़ा दूध दे दो हमारे गाय का, तो इसीलिए हम लोग आपको मैं दूध देने के लिए आ गया। मेरे को अभी लेट हो रहा है, मेरे को अभी गाय दूने का समय हो गया है, थोड़ा सा मेरे को अभी गाय दूने ज्यादा शाम हो गई है, इसीलिए आप मेरे को छोड़ दीजिए अभी, अभी आप पी दीजिए, मैं आता हूँ थोड़ा थोड़ी देर में आ जाऊंगा और मैं अपना भाड़ वापिस ले जाऊंगा। और फिर वो बच्चा वहां से चला गया। इत बोली गेला बालक न देखी यार, इत बोली गेला बालक न देखी माधवपुरी रचित होइल चमत्कार, माधवपुरी रचित होइल चमत्कार, हे माधवपुरी रचित होइल चमत्कार, माधवपुरी रचित होइल चमत्कार। इस प्रकार से बालक बोल के गायब हो गया। माधवपुरी के चित्त में लगा, अपने भगवान को देखे तो चमत्कार लगा, अद्भुत लगने लगा, अरे ऐसा तो बच्चा कभी नहीं देखा, इतना अद्भुत इतना सुंदर, उनके हृदय में चमत्कार उत्पन्न होने लगा। फिर वो दूध पिए, दुग्ध पान कोरी भांड धुई यारो खीला, दुग्ध पान कोरी भांड धुई यारो खीला। तो जब दूध पिए तो अमृत के समान दूध था, अरे भगवान जिसके लिए दूध लेके आए कैसा दूध होगा, स्वयं अपने हाथों से भगवान जो दूध लेके आए उसको पी के माधवपुरी एकदम आनंद में चले गए कि कहाँ का दूध है, कैसा अद्भुत दूध है। उसने उस लड़के की फिर वो बात देखने लगे कि कहाँ गया वो बालक, बात देखे से बालक पुनः आई नो, बात देखे से बालक पुनः आई नो। ये है भगवान की भक्ति का प्रभाव। जब भगवान क्या बच्चा है जब करते हैं तो भगवान एक आपको उनके सुंदर रूप का दर्शन देते हैं, एक टेस्ट आ जाता है, रुचि आ जाती है, भगवान एक स्वाद देते हैं, वो स्वाद इतना टेस्टी था आदमी फिर से चाहता है। तो भगवान ने जो उनको अमृत पिलाया, दूध दूधामृत पिलाया तो उनको इतना अच्छा लगा, दूध का टेस्ट नहीं था, ये आस्वादन था भगवान की कृपा का कि भगवान स्वयं लेके आए थे। तो वेट करने लगे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया वो बालक कहाँ गया वो बालक। और क्या कर रहे थे वो, बैठ के नाम ले थे, बोशी नाम लो यो पूरी निद्रा नहीं आया, बोशी नाम लो यो पूरी निद्रा नहीं आया, से सिराते तांद्रा है लो माया प्रीति लया, से सिराते तांद्रा है लो माया प्रीति लया। तो बच्चे का बाहर देख रहे कब आएगा वो बच्चा, इतना सुंदर बच्चा फिर से देखना चाहता हूँ। कैसे पता चलेगा आपको जब में टेस्ट आ रहा है कि जब माला खत्म होने के बाद मन करे और करे और करे और करे, इसका मतलब वो क्या रहा है, जैसे मिठाई में टेस्ट आता है रबड़ी बनी है, अगर अच्छी लगती है तो क्या करते हैं, एक खाने के बाद मन करता है और थोड़ा मिले या क्या। वैसे जब भगवान के नाम में टेस्ट आता है भक्तों को उनका मन करता है और एक माला करते हैं, समझ रहे। लेकिन हम लोग को क्या लगता है एक माला कब खत्म होगी, माला आ रहे खत्म ही नहीं। लेकिन जो आज आध्यात्मिक स्तर पे बड़े भक्त होते हैं, परिपक्व भक्त होते हैं, प्रगतिशील भक्त होते हैं, उनको माला में बड़ा टेस्ट आता है, इसलिए पप्पा जी हर समय भगवान का नाम जप कर। तो बैठे बैठे भगवान का नाम ले रहे थे, रात को जब रात एक दो बज गए तो उनको हल्की नींद, भगवान का नाम लेते रहते वो थोड़ा सा, तो जब हल्की नींद लगी तो उनको स्वप्न आया, स्वप्न देखे से ही बालक सम्मुखे आसिया, स्वप्न देखे से ही बालक सम्मुखे आसिया। और सपने में देखा कि वो बालक आ गए। देखिए जब आप अच्छे से दिन भर भक्ति करते हैं ना, दिन भर ठाकुर जी को स्मरण करने का प्रयास करते, जब आप हमेशा खाते समय भगवान को अर्पित करके खिलाते, कुछ भी करते ठाकुर जी का स्मरण करते रहो, कुकिंग करते, कुछ माताएं कुकिंग करते समय भी
टेप लगा देती कथा सुने की, बहुत अच्छी आदत, कुछ भजन लगा देते, कुछ भक्त लोग सुबह उठते के साथ कुछ मुख से भजन गाने लगते या टेप लगा देते, बहुत घरों में हमने देखा कि सुबह उठते के साथ भजन लगा देते भगवान का, बहुत अच्छा है कि एक भी पल भगवान के बिना न बीते। घर में हर जगह जगह भगवान के सुंदर चित्रों को लगा देना चाहिए ताकि हर समय भगवान के सुंदर रूप का दर्शन हो, हमेशा कुछ लोग मोबाइल में भी भगवान का ट्यून डाल देते इतना सुंदर लगता है, कोई फोन भी करता है उनको तो कोई आदमी को भगवान का नाम सुनने मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी भक्ति है कि हम जो भी करें हमेशा ऐसा जीना चाहिए कि 24 घंटा भगवान का स्मरण। इसलिए घर को साफ रखना चाहिए, जगह जगह पे भगवान के फोटो को रखना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं केवल एक रूम भगवान का रूम है बाकी रूम में हम लोग गलत कर रखे, नहीं, हर जगह भगवान का स्मरण होना चाहिए। बहुत सारे हम घरों में गए देखे कितना पूरा घर, एक बार पटना में घर में गए थे हमारे एक भक्त के, तो पूरा घर पूरा उनका पूरा एक ऑल्टर बना दिया उन्होंने, पूरा घर में हॉल में भी कृष्ण का फोटो, रूम में भी, फिर पूजा घर में भी, सब जगह कृष्ण 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 कृष्ण। तो ये होती है भक्ति, हर जगह कृष्ण। तो जब आप हर जगह जागृत अवस्था में कृष्ण को रखेंगे तो सपने में कौन आएंगे, कृष्ण आएंगे, क्योंकि माधवेंद्र तो पूरे दिन भर भगवान का स्मरण करते, तो रात को भी भगवान बोले ठीक है तुम्हारे स्मरण में नहीं छोड़ूंगा, दिन भर तुमने स्मरण किया रात को मैं स्मरण, तो सपने में कौन आ गया, वही बालक आ गया और बोलता है स्वप्न देखे से ही बालक सम्मुखे आसीना, स्वप्न देखे से ही बालक सम्मुखे आसीना, एक कुंजे लैया गेल हाथे ते धरिया, एक कुंजे लैया गेल हाथे ते धरिया, एक कुंजे लैया गेल हाथे ते धरिया, एक कुंजे लैया गेल हाथे ते धरिया। तो बालक आया और माधवेंद्र जी को पकड़ के टांते 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 कुंज में ले गया, और क्या बोलता है बालक, कुंज देखैया को हे आमी ए कुंज राया, कुंज देखैया को हे आमी ए कुंज राया, तो उसने कुंज को दिखाया, बोला मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं इस कुंज का क्या हूँ, मैं इस कुंज का मालिक हूँ, मेरा कुंज, मैं राय कुंज का, जैसे हम लोग भजन गाते जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय Yeah.
बड़े प्रिय है कुंज बिहारी, क्योंकि तो भगवान को बहुत ज्यादा महल से ज्यादा पसंद क्या है, कुंज है, भक्त लोग उसमें सेवा करते। भगवान को यशोदा मैया बड़ा सुंदर से अलंकारों से सुसज्जित कर देती थी, लेकिन भगवान जब जाते थे सबको एक पोटली में बंद करके रख देते थे। भगवान को ज्यादा हीरा मोती पसंद नहीं। और फिर उसके बाद गोप लोग भगवान का कैसे श्रृंगार करते थे, फूलों से, मिट्टी से, ऐसे ऐसे करके, वो ज्यादा भगवान को सुंदर लगता था। भगवान जाके कुंडों में स्नान करने लगते थे, फिर बाहर आते थे, सबकी इच्छा होती थी भगवान को श्रृंगार करने की, तो भगवान अपने आप विस्तार कर लेते, सबको लगता था कृष्ण को मैं सजाया, कृष्ण को मैं सजाया, कृष्ण को मैं सजाया, और सब लोग बड़े आनंद से रहते थे, ये फूल मैंने लगाया, ये मैंने अंगूर लगाया। तो भगवान बड़े सरल व्यक्ति है, बहुत हीरा मोती वालों से प्रसन्न नहीं होते, भाव वालों से प्रसन्न होते जिनके पास भाव है। तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं, मैं इस कुंज का स्वामी हूं, लेकिन वज्रनाभ जी ने मेरी स्थापना की थी, लेकिन उसके बाद जब मलेच्छलों का राज आया तो मेरे भक्त मुझे लेके जा रहे थे, तो मुझे कुंज में छुपा दिया था, तब से मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, शीत वृष्टि वात अग्नि ते महा दुख पाई, शीत वृष्टि वात अग्नि ते महा कष्ट हो रहा है मेरे को, यहाँ पर कभी कभी गर्मी होती है, कभी कभी माली धूप, भगवान जंगल में है, कभी धूप होती है, गर्मी होती है। तो भगवान बोल रहे, भगवान तो दुख नहीं होता है, लेकिन भगवान भी एक व्यक्ति है, उनको क्या दुख होगा, लेकिन भगवान भक्तों की सेवा की याचना चाहते हैं, इसलिए हमें सेवा का मौका देने के लिए भगवान क्या बोल रहे, मुझे दुख हो रहा है। तो भगवान बोलते माधवपुरी को, ग्रामे लोक आनी आमा काड कुंज हईते, ग्रामे लोक आनी आमा काड कुंज हईते, पर्वत उपरी लैया रख भाल मते, पर्वत उपरी लैया रख भाल मते। भगवान ने बोला, आप मुझे बड़ा वो माधवपुर को बोला, आप लोगों को लेके इस कुंज के अंदर जाओ और मुझे निकालो, और फिर मेरी स्थापना गोवर्धन के ऊपर, आज भी वो स्थान है, गोपाल जी का मंदिर है गोविंद कुंड के बगल में, अब परिक्रमा करके दिखाई देगा, भगवान का भी वो मंदिर है जहाँ पर भगवान की स्थापना की गई थी। और भगवान ने अपने मुख से बोला, एक मोटो कोरी ताहा कर एक मंदिर बनवा दो, मेरी स्थापना कर दो ऊपर, फिर मेरे लिए एक मंदिर बना दो, और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि बहुत दिन से मैं यहाँ पर गर्मी में रहा हूँ, तो मेरा शरीर का क्या करो, अभिषेक करवाओ ठंडे ठंडे पानी से। बहु दिन तो मार पोथो कोई नीर भगवान ने बोला कि आप मुझे बहुत दिन से मेरे को कष्ट हो रहा है, आप मुझे स्थापित कर दो, मेरा मंदिर बना दो, लोगों को ला के मुझे बाहर से निकालो, और बहुत ठंडे ठंडे जल से एक मठ करीता कर स्थापन, मुझे निकाल के फिर मेरे को स्थापित कर दो। आज भी वो मंदिर है गोवर्धन में गोपाल जी का, और बोलते हैं कि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, शीतल जल से मेरा क्या करो, अभिषेक करवाओ। तो भगवान तो आत्मा राम है, संतुष्ट, लेकिन वो भक्तों से सेवा चाहते, भक्त लोग प्रेम से देते तो भगवान को बहुत अच्छा, भगवान को प्रेम चाहिए, इसीलिए भगवान
नहीं तो भगवान को है, अपने से भी खुद भी कर सकते, लेकिन हम भक्तों को प्रेम से भक्त लोग करते हुए अच्छा लगता है भगवान। और बोलते भगवान कि माधव मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बहु दीन तो मार को तो करी बोले मैं तुम्हारी राह देख रहा था, इंतजार कर रहा था कब माधव आएगा मेरी सेवा करे। देखिए ये होते भक्त जिनकी सेवा को लेने के लिए भगवान तत्पर रहते। सोचिए क्यों, क्योंकि बोलते उनके हृदय में प्रेम था। तुम्हार प्रेम वोशे कोरी सेवा अंगीकार, तुम्हार प्रेम वोशे कोरी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी वे शकल संसार, दर्शन दिया निस्तारी वे शकल संसार। भगवान बोल रहे हैं मैंने तुम्हारी सेवा क्यों स्वीकार की, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम है। जब प्रेम होता है तो भगवान दौड़ के आते हैं और सेवा को ले लेते हैं, और जब प्रेम नहीं होता है तो भगवान को आप कितना भी कुछ दें। दुर्योधन ने 56 भोग दिया, लेकिन दुर्योधन को भोग न खायो, रूखो सा कभी दुर्धर थायो, दुर्योधन को भोग न खायो, रूखो सा कभी दुर्धर खायो, नियम कानून नहीं देखते हैं, मंत्र तंत्र इत्यादि। कोई बहुत अच्छे से मंत्र पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन भी लाए, लेकिन भक्ति नहीं होती तो भगवान ग्रहण नहीं करते। और मंत्र तंत्र कुछ नियम भी नहीं हो लेकिन प्रेम हो तो भगवान स्वीकार कर लेते। एक बार पुरी में माता जी थी, उनका नाम था कर्मा माता जी, बूढ़ी माता जी थी, तो भगवान को बड़े प्रेम से खिलाती थी, खिचड़ी बनाती थी भगवान के लिए सुबह सुबह, तो बिना नहाए बनाती थी, उसको समय नहीं मिलता था, और भगवान पट खुलने के पहले उसको 5 बजे आके खा के जाते थे। तो बनाती थी प्रेम से बनाती थी, और भगवान को भगवान खा के फिर चले जाते थे। एक दिन उनके घर में एक ब्राह्मण आए थे, तो देखे कि वो भगवान को बिना नहाए धोए बनाए खिला रही, तो उसने बोला देखिए तो नियम नहीं है, नियम में नहा धो के एकदम शुद्ध होके। तो ब्राह्मण ने ऐसे बोला, तो उसने बोला ठीक है भाई आप बोले तो मैं ऐसा करूँ। तो फिर उस दिन नहाई धोई, तब तक जगन्नाथ जी बोले मेरे को जल्दी करो मम्मी खिलाओ, बोले अभी तो मैं नहा ही रही हूँ। फिर नहा धो के बर्तन धोने लगी, जगन्नाथ जी बोले मेरा पट खुल जाए जल्दी करो माँ जल्दी करो माँ, उसको माँ मानते थे अपने जगन्नाथ जी, तो बोले जल्दी करो माँ करो माँ करो माँ, तो तब से उसका नाम हो गया कर्मा भाई। तो कर्मा ये जो थी भगवान को खिचड़ी खिला रही थी, लेकिन इधर खिचड़ी रेडी नहीं हुआ, नहाना धोने में इतना समय चला गया। तो फिर जाके बहुत लेट हो गया, तो भगवान जलती भी खिचड़ी खा ली, तो भगवान का मुंह थोड़ा जल गया और भगवान को हड़बड़ करके जाना पड़ा, तो भगवान की उत्तरी छूट गई कांटों में। फिर पता चला भगवान की उत्तरी छूट गई, तो फिर
ना कोई चोरी चोर किया, कौन किया पता चला, भगवान के मुंह में खिचड़ी लगी हुई थी। फिर राजा को भगवान सपने में आके बताया कि इस ब्राह्मण को यहाँ से भगाओ, ये बहुत नियम कानून लगाता हूँ, मेरे को प्रेम से खिला रही, क्या दिक्कत है। तो भगवान क्या देखते हैं? प्रेम देखते। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घरावलो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घरावलो। तो भक्ति अगर कर्मा भैया माँ की जैसी होगी, कर्मा भाई की जैसी, तो फिर भगवान आके खिचड़ी ग्रहण बिना नहाए धोए बनाते थे, फिर भी भगवान को अच्छा लगता था। तो कुछ बार कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि आप बिना नहाए धोए नहा सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, ले सकते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं, हम नहा धो के ही पूजा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहा धो के ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन और कोई भक्त बीमार है, कोई भक्त बूढ़ा है, बिना नहाए धोए भी भगवान के भजन को ग्रहण करते हैं। ये भगवान क्या है? भावग्राही जगत। प्रेम होगा तो भगवान हर स्थिति में स्वीकार करें, नहीं तो नहा धो के भी अगर प्रेम नहीं तो भगवान स्वीकार नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर माधवपुरी को बहुत प्रेम था, इसलिए भगवान स्वयं उसके बोल रहे मेरी सेवा करो, मुझे यहाँ पर कुंज से निकालो, मेरी स्थापना करो, मंदिर बनवाओ, मेरी सेवा करो, मुझे अभिषेक करो। कभी कभी आप कहीं पर जाते, किसी को नहीं जानते, आपको पता नहीं, आप कुछ तो आप कुछ बोलते नहीं, भूखे भी रहे तो आदमी बोलेगा नहीं, अपने घर में मम्मी जल्दी भूख लगे खिलाओ खिलाओ खिलाओ, वे बच्चे को भूख लगे किसी और घर में जाएगा बोलेगा, लेकिन जब अपनी माँ के पास जाता है अरे जल्दी खिलाओ मर जाऊंगा, क्योंकि पता है माँ उससे प्रेम करते, तो निसंकोच बोलता है। वैसे भगवान भक्तों के सामने आके निसंकोच बोलते रहे मेरा मंदिर बनाओ, मेरा जल्दी से निकालो, गर्मी लग रही। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वे अपने भगवान को ब्रह्म मानते हैं, वो लोग सोचते हैं भगवान में कुछ, भगवान तो खाते भी नहीं, भगवान तो कुछ नहीं करते, तो उनके लिए भगवान पत्थर बन जाते हैं, उनके लिए क्या बन जाते हैं भगवान। लेकिन जो भक्त आदान प्रदान करना चाहते हैं उनके लिए क्या बन जाते हैं, वो बात करते। इसलिए एक ही विग्रह होता है, एक को देख के लोग सोचते पत्थर है, दूसरा सोचता है तो भगवान बात कर रहे। जब मायापुर में हम जाते हैं भगवान को देखेंगे तो हम लगेंगे भगवान आपको देख रहे, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मूर्ति है पत्थर। तो मानेंगे तो भगवान है, नहीं मानेंगे तो पत्थर है। तो इस प्रकार से भगवान ने बोला, श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, मेरा नाम गोपाल है, मैंने गोवर्धन को उठाया था, अब भक्तों की रक्षा की थी। इंद्र ने, इंद्र सोच रहा था कि मेरे भक्तों को कष्ट देगा, बड़े बड़े प्रहार कर रहा था, मैंने गोवर्धन उठा दिया, और गोवर्धन उठाने के बाद वो गोवर्धन मेरी शक्ति से इतना संचारित हो गया कि ऊपर में बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े बर्फ के गोले गिर रहे थे, लेकिन फिर भी एक गोवर्धन के ऊपर एक छोटी घास को भी नहीं हिला पाए, एक घास को भी वो टेढ़ा नहीं कर पाया बड़े बड़े दुफान भेज के, क्योंकि भगवान जब रक्षा करेंगे तो क्या कर सकता है। इंद्र बहुत प्रयास किया, दो तीन दिन कुछ नहीं हुआ, फिर अंत में हार मान ली। और इधर 7 दिन तक भक्तों के लिए क्या चल रहा था? पिकनिक चल रहा था। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी, सब भक्तों की इच्छा से, ब्रजवासियों की इच्छा से भगवान ने क्या उठा लिया, गोवर्धन उठा लिया, और आज लाखों लाखों लोग को गोवर्धन का दर्शन हो रहा है। तो भक्तों की इच्छा से भगवान लीला करते हैं, और आज वो लीला हम भी सुन रहे हैं। तो भगवान बोल रहे, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं सेवा स्वीकार करूंगा, मैं प्रकट हो जाऊंगा, और मेरा लाखों लोग दर्शन लेके उद्धार। तो भक्तों के कारण आज परिचित महाराज के कारण भागवत आ पाया, अर्जुन के कारण गीता आ पाई, और लाखों लाखों लोग, इसलिए बोले तुम्हारे प्रेम बसे कोई सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी में सकल संसार, तुम्हारे प्रेम से मैं प्रकट होऊंगा, उसके बाद पूरी दुनिया का उद्धार कर दूंगा। भगवान बोले, बजनाम ने मेरी स्थापना की थी, फिर मुझे लेकिन जब मलेच्छ लोक का राज्य चल रहा था तो सेलो परि हैते आमा कुंजे लुकाइया, सेलो परि हैते आमा कुंजे लुकाइया,
मल चभो ये सेवक मोर गे पलैया मल चभो ये सेवक मोर गे पलैया। तो 500 साल पहले मुसलमानों लोग का राज्य था, तो भगवान के विग्रह की स्थापना वज्रनाभ जी ने 5000 साल पहले की थी, पूजा हो रही थी। लेकिन जब मुस्लिमों का राज्य आया तो उन लोग क्या करते थे, जहां पर भी जाते थे विग्रह को तोड़ देते थे, उनको लगता था हिंदुओं के भगवान को मार दिया, उनको ऐसा लगता था कि हमने हिंदुओं के भगवान को तोड़ दिया। लेकिन भगवान विग्रह में प्रकट होते हैं सेवा देने के लिए। हमने मान लीजिए कोई विग्रह की सेवा नहीं हो रही तो भगवान अप्रकट भी हो सकते, तो वो लोग सोचते थे हम लोग तोड़ दिए भगवान अप्रकट हो जाते थे। गाड़ी के अंदर कोई आदमी बैठा हुआ और आदमी मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ, कोई टेररिस्ट आके उसको गाड़ी को मारने का प्रयास करे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को पहले पता चल गया कि कोई आके अटैक करने वाला, प्राइम मिनिस्टर साहब पहले निकल गए, फिर आके गाड़ी को फोड़ भी दिया तो बोलेगा मैं प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, प्राइम मिनिस्टर मरा, प्राइम मिनिस्टर बचे। तो वैसे मूर्ख लोग सोचते हमने हिंदू को भगवान को मार दिया, हिंदू के भगवान मुस्लिम के भगवान सबके भगवान एक ही, उनको कोई नहीं मार सकता। तो फिर प्रश्न हो सकता है भगवान ऐसा करने क्यों दिए, उनको मूर्ति तोड़ने क्यों दी। तो देखिए भगवान बहुत बार कुछ ऐसी चीजें करते हैं वो समझ में नहीं आता, उसके पीछे भगवान का कारण होता है। जैसे एक बार मैसूर में एक हिंदू राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, 200 साल पहले घटना, उस समय ब्रिटिश लोग का राज्य चल रहा था, तो इतने पराक्रमी थे चाहते तो ब्रिटिश को हरा सकते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स लोग ने उनसे बोला कि हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तो जो क्षत्रिय होते कोई अगर शरणागत लेता तो उसे नहीं मारते, तो इन्होंने सोचा ठीक है, तो ये भक्त थे तो इन्होंने उनको तोहफे के रूप में 9 अच्छे अच्छे रसोइये भेजे और इन्होंने 9 रसोइयों को मार दिया ब्रिटिशर्स लोग ने, अंग्रेजों ने, तो इन्हें क्रोध आया, अरे भाई पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया फिर काम मरवा दिए, ये क्या तरीका है। तो इन्हें बड़ा क्रोध आया, भगवान के पास प्रार्थना की है कुछ भी कार्य करने के पहले, भगवान ऐसा कैसे हो गया, मैं आपका भक्त हूँ मेरे लोग मारेंगे, मैं उन पर आक्रमण करना चाहता हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान सपने में आके बोले देखो ये मेरी योजना है, मैं ही इन अंग्रेजों को शक्ति दे रहा हूँ। बोले भगवान आप अंग्रेजों को शक्ति दे रहे हो, गलत कर रहे, शोषण कर रहे। बोले नहीं ये मेरा प्लान है, क्योंकि अब ये हरिनाम जो पूरे विश्व में फैलने वाला है और विश्व में फैलने के लिए मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, वो पूरे विश्व भर में प्रचार करेगा हरिनाम का। लेकिन प्रचार करने के लिए अभी तो पूरे विश्व में अलग अलग जगह अलग भाषाएं, लेकिन अंग्रेज लोग क्या करेंगे, बहुत जगह देशों में राज्य करके एक भाषा को क्या करेंगे, सबके लिए समान कर देंगे वो अंग्रेजी। फिर वह भक्त आएगा वो अंग्रेजी में प्रचार करेगा और पूरी दुनिया के लोग क्या बन जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी गुरु महाराज उनको बोला कि तुम पढ़े लिखे सक्षम व्यक्ति हो, क्यों ना तुम अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु के उपदेश को फैलाते। प्रभुपाद जी ने फिर क्या किया, पूरे विश्व भर में हरिनाम को फैला। तो देखने में लग रहा था कि अंग्रेज लोग विजयी हो रहे, लेकिन भगवान ये व्यवस्था किए थे ताकि प्रचार हो सके। तो कभी कभी जीवन में कुछ कष्ट आते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि भगवान रक्षा कर। एक बार ऐसे हल्दिया में प्रचार कर रहा था मैं, हम लोग बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे, बच्चों से जाके मिलना, उनको प्रवचन देना, हमारे भक्त लोग बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे उस साल, बहुत मेहनत किए थे। लेकिन एकाएक क्या हुआ, हम लोग जहां रहते थे मंगला आरती चल रही थी और एक व्यक्ति ने, किसी चोर ने हमारे भक्तों का लैपटॉप चुरा लिया। हम लोग ऊपर से मंगला आरती कर रहे थे और नीचे से खिड़की से कहीं से काट के, हम लोग चिंतित हो गए भाई ऐसा कैसे हो गया, 40 लोग हम लोग आरती करते ऊपर, नीचे से कोई उठा के ले जाए। तो फिर हम लोग सोचने लगे, फिर हमने अपने भक्तों से बात की, कुछ मंदिर के भक्तों ने बोला FIR दर्ज कराना जरूरी है, कोई कल कुछ होगा तो फिर। तो हम लोग पुलिस थाना में गया था, पुलिस ने बोला आप घबराइए मत, हम लोग चेक करने का प्रयास करेंगे। तो हमें शक था कि आसपास के लोग ही चुराए होंगे, और कौन चुराए, क्योंकि उनको कीर्तन थोड़ा पसंद, कुछ लोग इतने पापी होते हैं उनको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, भगवान का नाम हो तो बंद करो और कुछ आवाज़ हो तो बड़ी अच्छी। तो
तो हमारे भक्त लोग कम भी कर देते थे कभी कभी आवाज, लेकिन फिर भी कुछ लोग को दिक्कत होती थी। तो शायद हमें लग रहा था आसपास का मोहल्ले में कुछ लोग दारू पी के भी घूमते थे, तो एक आदमी ने शायद चुराया होगा। तो हमने पुलिस में जाके बताया था, हमें उम्मीद तो थी कि मोस्टली मिलेगा नहीं, बिकॉज चोरी भी चीजें तो मिलती नहीं। तो पुलिस फिर आई थी सर्च करने के लिए, तब फिर आसपास के जो लोग थे घबरा गए कि पुलिस को क्यों, तो हमारे बच्चों को फिर परेशान करने लगे कि अरे तुम लोग पुलिस को क्यों बुला रहा है, हम लोग चोर है क्या, ऐसे हमारे भक्तों को परेशान करने लगे कि तुम लोगों को निकाल देंगे यहाँ से, ये करेंगे वो करेंगे। फिर एक बगल वाले लोगों ने बहुत जोर से हमारे भक्तों को डांटना चालू किया कि तुम लोग खराब लोग है, ये है वो है, तुम लोग को हम लोग निकाल देंगे, रहने नहीं देंगे। अब देखिए चोर को जब डांटा जाता है तो उसको क्या लगता है, डर लगता है। तो फिर मेरे को, मैं सोने जा रहा था, अगले दिन एकादशी थी, तो एक तब तक मेरा एक भक्त आके रोहित को आके बोले पुरोहित जी ऐसे ऐसे वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग मारेंगे करेंगे। बोला ऐसे कैसे बोल सकते, चलो। मैं गया नीचे, तब तक 50 भक्त भी मेरे साथ आ गए, और फिर वो लोग वहाँ पर एक स्त्री थी वो भी चिल्लाने लगी, और हम शांति से बात करते आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमारे बच्चों को कि आपको निकालेंगे, बल्कि हम आपको, आपका नाम लगाया क्या चोरी में, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं इसका मतलब कि आप ही चुराए क्या, मतलब आप ऐसा क्यों सोच चुरे, हमने तो बस जनरल FIR दर्ज की, पुलिस आई तो आप घबरा क्यों रहे अगर आपने चोरी नहीं की। तब तक वो लोग बोलेगा तुम लोग चोर बोलेगा, ये बोलेगा हम तुम्हारा बच्चा लोग बर्बाद है, ये है तुम लोग खराब है, ये वो ऐसे करके। फिर तब तक किसी ने पत्थर मार दिया, आदि पी के रखा था दारू, उसने पत्थर फेंक दिया, तो फिर भी हिंसा होने लगी। मैंने बच्चों को समझाया कि आप लोग मत पत्थर फेंकना, फिर भी हमारे कुछ भक्त लोग बड़े प्रेम में आएंगे, वैष्णव का अपराध कैसे होते हुए देख सकते हैं, हमारे एक सर भक्त के सर से खून बहने लगा, तब पूरी मारामारी चालू हो। मैं समझा रहा हूँ मत आप लोग क्यों कर रहे हो, लेकिन उधर से ज्यादा वार हो रहे थे, 10 पत्थर चल रहे थे, हम लोग फिर 2 पत्थर भक्त लोग चलाए, उसको मना कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत लोग आ गए। मैं पुलिस को फोन किया, जल्दी आई, ये पुलिस ने मुझे नंबर दिया था यहाँ पर, तो और मुझे पता था कि भगवान की दया से, तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन भक्त लोग पूरा एकदम उत्तेजित हो गए, वो लोग भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित। तब तक 500-1000 लोग आ गए। हमने भक्तों को बोला आप लोग मोबाइल से फोटो खींच लो, फोटो खींच लेंगे तो पता चल जाएगा ये लोग की गलती। तो एक बार फोटो खींचे, तब तक वो लोग देखे अरे लोग हम लोग को नेगेटिव केस में फंसा दे, तो उन्होंने क्या किया हमारे ऊपर आक्रमण करना चालू किया, पूरा ज्यादा आक्रमण करने लगा, पुलिस आने लगी, लेकिन पुलिस भी डर के मारे भागे कि लोकल पॉलिटिक्स में फंस के तो भागे, करे क्या। तब तक फिर पूरा आक्रमण हो गया, 4-5 हजार लोग इकट्ठा हो गए, और माता जी ने बोलने लगी कि मतलब ऐसे करके पूरा एकदम, फिर हम लोग के भक्त लोग बहुत सारे लोगों को चोट लगने लगी, तब सबको फिर हम लोग अंदर जाने लगे फ्लैट के अंदर। तो फिर हम लोग कीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, तो हम लोग को पता नहीं हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं और हमारे गणेश में षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स है, अगर ऐसा बोला जाए कि इनकी गलती है तो फिर वहाँ पर दिक्कत होगी, तो वो लोग हम लोग को फंसाने लगे, और उन्होंने केस कर दिया कि ये लोग हमारे स्त्री के साथ गलत करने का प्रयास कर रहे थे। हमारे बच्चे कभी स्त्री को ऊपर आँख उठा के भी नहीं देखते, फिर भी ऐसा आरोप लगा दिया गया कि ये लोग रेप करने का प्रयास कर रहे थे ये, और हमें पता नहीं, हम लोग अंदर कीर्तन कर, और लोगों ने 5-6 हजार लोग इकट्ठा हो गए, ऐसे बात फैला दी लोगों ने आपस में कि लोग लड़का लो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो फिर जनता ही पूरे गुस्से होने लगी, उन्होंने पूरा पत्थर से पूरा खिड़की उड़की फोड़ दी, जला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम लोग कीर्तन करें भगवान का जो होगा देखा जाए। तब तक पुलिस आई, पुलिस बोली कह रहे आप लोग चलिए थोड़ा आप लोग, और पुलिस ने हमारे अगेंस्ट केस ले लिया, केस हमने किया था लेकिन उन्होंने हमारे अगेंस्ट नया केस ले लिया कि ये लोग गलत कर रहे हैं, और हम लोग को सबको ले गए बोले आपकी रक्षा के लिए जा रहे हैं ये वो। और फिर वहाँ पुलिस थाने हम लोग गए, वहाँ पर भी हम लोग कीर्तन कर रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने हमारे हाथ से साइन करवा रहे थे कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं हमने गलती की। तो हमारे भक्त ने पढ़ा, आशीष पूर ने तो बोला अरे तो हम लोग गलत क्यों साइन करवा रहे, तो हमने बोला इस पर तो हम लोग साइन नहीं करेंगे तो गलत है। तो वो लोकल लोग हमको पूरा फंसाना चाह रहे थे पुलिस, लेकिन हम लोग भगवान का नाम ले रहे थे, और हम लोग सोच रहे थे भाई ऐसा क्यों से हो रहा है हमारे साथ इतना, हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, हमने कभी गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा। फिर भगवान की दया से हम लोग कुछ नहीं हुआ, 2-3 भक्तों को चोट लगी थी तो ठीक भी हो गई। तो मुझे समझ में आया भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग तो आपकी भक्ति कर रहे हैं, क्या पाप किया हमने, क्या ऐसा क्यों कर रहे। तो ऐसा चल रहा था चीजें,
हम लोग को लेकिन भगवान की दया से प्रार्थना कर रहा था भगवान की दया से, तो क्या हुआ रात को फिर उन्होंने हमको टाउनशिप में एक जगह दी। हम लोग 40 लोग सबका सामान वामान उस फ्लैट में पड़ा था, हमको अलग जगह पे दे दिए। कुछ लोग स्कूल की एग्जाम भी थी, एग्जाम देने गए वहाँ, वहीं से एडमिट कार्ड नहीं था, ये बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर पुलिस ने हमारा सामान ला के दिया इधर, लेकिन भक्तों को जो जो एग्जाम थे सब में फुल मार्क्स मिल गया। और इधर हम लोग को फिर मैंने एक भक्त को फोन किया, पूजी हम लोग 40 लोग सूचित 50 लोग को एकाएक नया घर मिलना के आसान है, वहाँ बोले तो जाने नहीं देंगे। और मैंने एक फ़ोन मिलाया, एक भक्त ने बोला मुझे मेरा घर खाली है, 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, अब उसमें रह सकते। और सुबह 11 बजे हम लोग फिर से पूरा एक नया घर में आ गए। भगवान की दया से कुछ भी खरोच नहीं आए, बढ़िया से बढ़िया हम लोग नए घर में आ गए। प्रसाद की व्यवस्था भी तुरंत हो गई और पुलिस लोग हमारा सामान भी ला के दे दिए। फिर भी हम लोग को समाज छोड़ना पड़ा, फिर मेरे को जाना पड़ा 2-3 बार नेगोशिएशन के लिए, क्योंकि हम लोग केस कर सकते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि अगर कोई स्टूडेंट के प्रति केस है, कोई भी केस है उसको पॉजिटिव है नेगेटिव, तो बहुत लोग फिर कंपनी में नहीं बैठ सकते। हमने बोला भाई हमें को नुकसान है इसमें तो केस करने में, तो फिर हमने लोअर पोजिशन ले लिया, हमने कॉम्प्रोमाइज़ किए। उन्होंने बोला आप लोग इस मोहल्ले में इस खुदीराम नगर में नहीं रह सकते इस ब्लॉक में। और हम लोग को जहाँ पर भी जाते थे हमारे बच्चों को बोला जाता है लोग बदमाश लोग है, ये है वो है, हरे कृष्ण वाला बेकार लोग है, बहुत गंदा लोग है, ये है वो है। मतलब बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ा था, हम लोगों को फ्लैट नहीं मिल रहा था, लेकिन भगवान की दया से तो मुझे समझ में आया ऐसा क्यों, हम लोग आपका ही प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट वो लोग जीत रहे, जो लोग पाप कर रहे हैं हम लोग सही करके, हम लोग को बदनामी हो रही है, हम लोग इतना कष्ट गुजर रहे हैं, कोई रहने को घर नहीं दे रहा है। तब तक छुट्टी हो गई थी बच्चों की, तो हम लोग भगवान का प्रचार करते रहे। भक्तों ने बहुत मेहनत करके फिर 2-3 घर मिले, तो एक समय इतनी बुरी स्थिति से हम लोग गुजरे। लेकिन मुझे समझ में आया था भगवान ऐसा क्यों बुरा कर रहे हैं, वैसे हम लोग उनका ही भजन कर रहे हैं, उनका ही प्रचार। लेकिन बाद में पता चला, अभी जस्ट अभी जब कोरोना आया तब बहुत सारे घर वाले, अब चूंकि हमने धीरे धीरे प्रचार किया तो लोग, अब क्या हुआ लोग हमको ध्यानपूर्वक देखने लगे कि क्या करता है। अब कोई भी रखता तो देखता था ये लोग कितने बजे उठता है, क्या करता है, कोई गलत चीज़ तो नहीं करता है, तो दिन रात वो लोग देखने लगे हम। कहीं पर एक घर में किसी ने रखा, एक भक्त थे उन्होंने अपने घर में रखा कि ठीक है बाकी लोग रखे, नहीं मुझे आप लोगों को भरोसा है, मैं आप लोग अपने घर में रखूँगा। लेकिन आसपास के सब लोग देखते थे, तो लोग उठ के देखते कि हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं, पूरा घर की रोज सफाई करते हैं। कृष्ण के उपदेश लोगों को सुनाया जाएगा, हर किसी को पाठ गीता का पढ़ाया जाएगा, जानवर से भी तो नीचे गिर गया है आदमी, आदमी को आदमी जैसा बनाया जाएगा, पाप अब धुलते नहीं गंगा में भी जाकर यहाँ, इसलिए गीता के अमृत में नहाया जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वीते आछे जति नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइब मोर नाम। भारत भूमि ते हेलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। We get and forget, and Krishna gives and forgives. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna.